अमरोहा में बिजली का तार टूटने से गेहूं के खेत में आग लग गई, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव सहेलिया में बिजली विभाग की लापरवाही से एक किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें 15 बीघे गेहूं के खेत में बिजली का तार टूटने से लगभग 5 बीघे का गेहूं जल कर राख हो गया। वही पीड़ित किसान का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों से कई बार तारों को सही कराने के लिए शिकायत की गई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसका खामियाजा आखिरकार किसान को भुगतना पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका हर जाना किसान को कौन देगा। तुम्हारा नाम क्या? ये आग तो लगी है यहाँ गेहूँ में, किस वजह से लगी है? बिजली की तार टूटने से गुब्बारा बन के गेहूँ में गिरा है, आग का उससे बहुत सारा नुकसान हुआ है। अच्छा। तमाम गेहूँ जल के राख हो गई। अच्छा, ये आपके गेहूँ थे कितनी थी सारी? ये तो 8-9 बीघे गेहूँ से ज्यादा थी। और जल कितनी गई फिलहाल? जल भी लगभग 4-5 बीघे तो जली गई। 4-5 बीघे जल गई है। अच्छा, तो इसका दोषी मतलब यह है कि बिजली विभाग है जिसकी लापरवाही रही तारों की तरफ से, उसकी वजह से आग लगी। पेड़ों में लान दे रखी है, पेड़ों को साफ नहीं करते। जब पेड़ों की वजह से आग ऐसे गड़बड़ होती है, हमें दंड भरना पड़ता है। और जिसमें कि तार ढीले हैं, लटक रहे नीचे हैं, तार भी ढीले हैं, एक खंभे की जरूरत है। यहाँ पे खंभा नहीं लगाया, खंभा कम लगा हुआ है। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के कोतवाली फलिया के चौकी क्षेत्र मजगई के बेलाकला में सिलेंडर के लीकेज होने से आग लग गई, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला बेलाकला गांव का बताया जा रहा है, जहां पर अचानक सिलेंडर में आग लगने से पूरा रसोई घर जल कर राख हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और बड़ा हादसा होने से बच गया। गौरतलब है कि इसमें गैस एजेंसी की लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को सिलेंडर बिना चेक किए ही वितरित किए जाते हैं। लखीमपुर खीरी से केकेडी न्यूज संवाददाता असलम उस्मानी की रिपोर्ट। झांसी में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम से अतिथियों का मनोरंजन किया। वहीं इस शुभ अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विशन सिंह यादव, मध्य प्रदेश क्षेत्र विधायक झांसी सिटी विधायक पंडित रवि शर्मा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप सराव भी मौजूद रहे। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता वासु हसन की रिपोर्ट।